राज्य सरकार के द्वारा उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड के स्वरूप में दिए जा ये जब कर्मचारी चयन आयोग में थे तो उनके पदस्थापन काल में ऑडिटर और कनीय अभियंता की परीक्षा में षड्यंत्र पूर्वक चिन्हित अभ्यर्थियों से कुछ राशि रिश्वत लेकर के ओएमआरसी जो ऑप्टिकल शीट होती है उसमें छेड़छाड़ करने का आरोप उनके ऊपर हुआ था और आर्थिक अपराध इकाई में उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया था और उसी के क्रम में उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी की गई है और इस डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के पश्चात आज उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कराने का दंड उन्हें दिया गया है। बेगूसराय जिले में भगवानपुर थाना है और भगवानपुर थाने में एक TIOP के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है और उसके लिए कुल 21 पदों का सृजन भी किया गया है। ऊर्जा विभाग के द्वारा जो नॉर्थ और साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके लिए 33 kV और 11 kV का जो लाइन है उसका जीर्णोद्वार किया जाना है, उसका नवीकरण किया जाना है, उसके लिए ये कुल योजना है 3,070,22,00,000 रुपए की। उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी को रखने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है जिस पर GST सहित कुल 70,80,00,000 रुपए का व्यय आएगा। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर उनके जो राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कुल 10 प्रिंसिपल्स का आज नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो प्राचार्य हैं इनकी नियुक्ति की अनुशंसा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उनके नाम हैं डॉक्टर राम नरेश राय, डॉक्टर राजेश कुमार रंजन, डॉक्टर ठाकुर संजय कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर बिंदेश कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा, डॉक्टर विकास प्रसाद, डॉक्टर नित्यानंद प्रसाद एवं डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा खगड़िया में और शेखपुरा इन दो जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थापित करने के लिए भूमि दी गई है। खगड़िया में कुल दिया गया है 8.52 एकड़ और शेखपुरा में 9.94 एकड़। तो अब ये दो इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है। नगर विकास आवास विभाग के द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत ये 100% भारत सरकार के द्वारा राशि दी जाएगी। तो मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ कहाँ कहाँ पर कितने की राशि। छपरा में 242.63 करोड़, फिर फतुहा में है 35.49 करोड़, फिर मनेर में है 43.56 करोड़, बख्तियारपुर में है 37.80 करोड़ और सोनपुर में 30.93 करोड़। ये नमामि गंगे के तहत ये योजना दी गई है जिस पर SPP परियोजना इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। तो वस्तुतः जो पानी गंगा में जा रहा है वो स्वच्छ जाए और पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाने में राज्य सरकार को और राज्य को मदद मिलेगी। नालंदा जिला अंतर्गत सिलाव अंचल में 14 डेसिमल जमीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को
दी गई है 4 लेन के निर्माण के लिए, और ये 4 लेन है गया, हिसुआ, राजगीर और बिहार शरीफ। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण जो DRDAs हैं, उनमें 1/4/99 के पूर्व से जो नियमित वेतनमान में कर्मचारी कार्यरत थे, उनमें से कुल 33 लोगों को कलेक्ट्रेट के अंतर्गत जो रिक्त पद हैं उन पर समायोजित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। वित्त विभाग के द्वारा आज ये प्रस्ताव लाया गया था कि 1/9/2005 और उसके बाद जो नियुक्त सरकारी सेवक हैं जो नई पेंशन व्यवस्था से आच्छादित हैं, उनके सक्रिय कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में यदि वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके विधवा और आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी जाएगी।